बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो और एडमिशन नहीं मिल रहा है, आ जाओ बॉस दिला दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। As always, नमस्ते भाइयों, क्यों है तो मैं हूं आपका पीएम का व्लॉग। आइए कुछ नया देखते हैं। हाँ जी, तो आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को बताना हूँ बीटेक सीएसई टॉप 5 बेस्ट कॉलेज इन पुणे। हाँ जी, मेरा नाम है पराग माझी, मैं पढ़ता हूँ डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। हाँ जी, बस पांचवें नंबर पे आता है अपना सियागढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको SCOE करके भी बुलाया जाता है। और ये नहीं क्या वड़गांव में आया है। ये लोग कौन कौन से कोर्सेज तुम लोगों को ऑफर करते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सो UG प्रोग्राम है यहाँ पे, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, IT है, प्रोडक्शन है, सिविल है और बायोटेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो PG कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे तुम लोग पढ़ सकते हो। तो अगर तुम लोगों को कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। मेरी टीम लोग तुमको कांटेक्ट कर लेंगे एंड गाइड भी कर देगी, टेंशन मत लो। ये जो सियागढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है SCOE वाला, एक कैंपस के अंदर दो कॉलेज है। पहला ये सियागढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और दूसरा कॉलेज है अपना काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SKNCOE। सो मैं पहले ये सियागढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग SCOE के बारे में बता देता हूँ, उसका प्लेसमेंट कैसा एंड ऑल। ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट आता है। ठीक है, एवरेज पैकेज यहाँ का जाता है 4.5 लाख पर एनम। ठीक है, इंटर्नशिप भी ये लोग ये ऑफर करते तो और अच्छा बात है। ओके, सो अब मैं तुम लोगों को फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ सियागढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे फीस आती है तुम लोगों को 1,38,060 रुपीज। और यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन भी मिलता है इंजीनियरिंग का, जो कि है 1,36,000। यहाँ पे नहीं क्या हॉस्टल भी तुम लोगों को प्रोवाइड होता है, गर्ल्स का भी होता है और बॉयज का भी होता है। हॉस्टल का फीस है वो है 72,000। सो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर रहते हैं मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा वीदियो को पॉज भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो। अदर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रहेगा, HSC का, 12th का और 10th का मार्कशीट, फिर आधार कार्ड, फिर अलॉटमेंट लेटर और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर तुम लोग महाराष्ट्र से बाहर के हो तो तुम लोगों को कौन कौन सा लगेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सियागढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं अपन SCOE। ठीक है, इसका दूसरा ब्रांच आता है जो सेम कैंपस के अंदर आता है, वो है काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग SKNCOE। सो ये जो कॉलेज है ना काशीबाई नवले वाला, कौन कौन से कोर्स तुम लोगों को प्रोवाइड होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, IT है और मैकेनिकल है। पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर और ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्टरेट वगैरह वाली, PhD वगैरह भी मिलता है। सो यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूँ। अगर ओपन कैटेगरी के लिए तुम लोग देख रहे हो तो काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फीस आती है 1,09,060 रुपीज और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह अलग है। ठीक है, सो अगर तुम लोगों को एडमिशन चाहिए तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएंगी, जाके फिल करो फॉर्म। मेरी टीम लोग तुम लोगों को कॉन्टेक्ट कर लेंगी एंड गाइड कर देंगे, तो उसका टेंशन मत लो, फुल सपोर्ट है अपने तरफ से। ओके, सो फोर्थ नंबर पे कॉलेज आता है अपना पिंपरी चिंचवर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग PCCOE, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, आकुड़ी रावत के साइड में ही आता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन के पास में आकुड़ी वाले। तो यहाँ पे UG प्रोग्राम अपने को कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ITS है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब तुम देख सकते हो। अगर तुम लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो भी तुम अगर गूगल फॉर्म फिल करते हो ना, डिस्क्रिप्शन में जो तुम लोगों को मिल जाएगा तो मैं तुम लोगों को गाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। और ये जो कॉलेज है ना PCCOE, पिंपरी चिंचवर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत सी है, एक नंबर फाड़ू कॉलेज है। इसका नहीं क्या प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा आता है, तो इसका नाम ऐसे टॉप कॉलेजेस में भी आता है। ये ऑटोनोमस कॉलेज है, पैकेज देखना चाहो ना तो इसका 7-8 लाख का तो रहता ही रहता है एवरेज। यहाँ पे तुम लोग पॉज करके देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज आती है, जैसे कि Amazon, Accenture, फिर इन्फोमेटिका, फिर जोश, HSBC है, फ्लिपकार्ट है। सो ये था अपना फोर्थ कॉलेज। हाँ जी, बस थर्ड नंबर पे आता है अपना DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं पढ़ता हूँ। मैं जिस कैंपस में पढ़ता हूँ ना, वहाँ पे निकल 3 कॉलेज है इंजीनियरिंग के। सो पहला आता है अपना DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं पढ़ता हूँ। सेकेंड आता है अपना थोड़ा सा अभी अभी जो बना है डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जिसको IMR भी बोलते हैं। ठीक है, जे बिल्डिंग के फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे जो है ना वो है। थर्ड आता है अपना DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको ओल्ड कॉलेज
कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो उसके बारे में पहले बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ठीक है, जहाँ पे तुम लोगों को प्रोग्राम ओवरव्यू एंड यूनिक फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। कोर्स स्ट्रक्चर मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू में क्या क्या पढ़ाने वाले, प्रॉपर ये रहेगा। और इसमें देखिए इंटर्नशिप भी रहती है, प्लस तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट एट इंडस्ट्री विजिट भी होता है। ट्रैक्स है यहाँ पे, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे AI, तुम लोगों को AI एंड मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, रोबोटिक्स एंड AI, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी है, ये सब तुम लोगों को ट्रैक्स मिल जाएंगे, कौन कौन से तुम एक स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। सो अगर तुम लोगों को एडमिशन चाहिए ना DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एडमिशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर में कैसा है कि जो तुम्हारी जो पर ईयर की फीस रहेंगी ना, वो 115 पकड़ के चलो तो 2,30,000 ये पर ईयर की फीस है, और एवरेज पैकेज जाता है 7 लाख तो जाता ही है, ठीक है। सो इसके बाद जो सेम कैंपस के अंदर जो दूसरा वाला कॉलेज है वो है डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च। सो ये वाले कॉलेज में ने क्या कोर्स ड्यूरेशन है 4 साल का, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2012 में, और ये जो BTech CSE का जो रहता है उसमें 120 बच्चे लोग लेते हैं हर साल, ये पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। सो अगर तुम लोगों को एडमिशन चाहिए इसमें भी तो मैं दिला दूंगा। तो इसी के बाद जो सेम कैंपस में और एक कॉलेज है, जो तीसरा कॉलेज है वो, और बहुत ही बढ़िया कॉलेज है बॉस, ये बहुत ही बढ़िया मतलब एक नंबर कॉलेज है, DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। और ये नहीं क्या इसका, इसकी डिमांड ना भाई खत्म ही नहीं होती है, ठीक है, ऐसा समझो। ये MIT सिम्बॉयसिस इसके बाद में ये कॉलेज आता है, ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। यहाँ पे नहीं क्या 120 लोगों को एडमिशन लेते हैं हर साल, और 4 साल का कोर्स है ऑब्वियसली, डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ की जो फीस है ना वो कुछ है 1,23,000, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोगों मेरे को बता देना। हाँ जी बॉस, अपना जो सेकंड नंबर का कॉलेज है वो है भारतीय विद्यापीठ। भाई ये कॉलेज की डिमांड तुम लोगों को मैंने BBA कॉलेज में भी बताया, बहुत डिमांड है भाई। BTech CSE के लिए भी बहुत लोग ऐसा मारा मारी है, और ये नहीं क्या एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर तुम लोगों को एडमिशन चाहिए ना तो यहाँ पे तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना एडमिशन नहीं होता है। डिटेल्स बता देता हूँ BTech CSE के लिए, ठीक है। सो ये 4 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे कैसा है, 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कंपलसरी। तो यहाँ पे नहीं क्या तुम लोगों को जो एग्जाम होती है ना वो CET एग्जाम रहती है, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सिलेबस क्या है उसका, ये सब है। सो ये PDF की लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा सा ऐसा पेपर है कि सैंपल पेपर समझ के रखो, ठीक है। ओके, सो भारतीय विद्यापीठ की जो BTech CSE वाली जो फीस है ना वो है 1,75,000 साल की फीस है, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया तुम लोगों को इसका पैकेज बहुत सही जाता है, मतलब 8-10 लाख के अराउंड रहता है ये एवरेज। सो अगर तुम लोगों को एडमिशन चाहिए तो तुम लोग मेरे को बता सकते हो, मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगा। ये वीडियो में कितने बार बोल दिया हूँ ये सेम चीज मेरे को नहीं पता, तो इसलिए तुम जाओ, तुम लोगों को मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो अपना फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है वन एंड ओनली MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, MIT WPU के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नहीं क्या कोथरूड में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब ऑब्वियसली अपना के पेपर्स ही बनाता है, एंड खुद ही अपना यूनिवर्सिटी के तरफ से जो डिग्री मिलती है वो खुद ही MIT देता है। सो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, बट मैं BTech CSE के बारे में बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वगैरह। सो यहाँ पे नहीं क्या तुम लोगों को मेजर ट्रैक्स मिल जाएंगे, जैसे कि मतलब कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है वो तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर विजन है। सो यहाँ नहीं क्या 4 साल का ड्यूरेशन है, और 3.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, ठीक है। अगर एडमिशन चाहिए दिलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है। सो यहाँ पे नहीं क्या तुम लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर तुम लोगों को MIT में एडमिशन चाहिए ना तो एलिजिबिलिटी मैंडेटरी क्या है, या तो तुम लोगों को JEE देना है जरूरी है, या तो MSCET देना जरूरी है। और यहाँ का जो हाईएस्ट CTC जाता है ना वो है 44 लाख पर एनम, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम लोगों को एडमिशन चाहिए
लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रखा है, और तुम लोगों को नहीं क्या इंटर्नशिप भी मिलती है बॉस, यहाँ के इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो पुणे के सारे कॉलेज से हमेशा ज्यादा ही रहता है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है, इन्फोसिस है, कैपजेमिनी है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, डेलॉयट है, फिर मनी वी है। ये PDF की लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब तुम लोग अगर एडमिशन लेते हो तो तुम लोगों को क्या क्या पढ़ाएंगे, सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4 में क्या क्या पढ़ाने वाले, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी, तो ये थे अपने 5 कॉलेज BTech CSE के लिए। अगर तुम लोगों को एडमिशन चाहिए, तुमको पता है क्या करना है, अब इस बार मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, ये था अपना पार्ट 1, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ रहा है। ये तो थे मेरे टॉप के कॉलेज जो BTech CSE ऑफर करते हैं। अब इसके वाला जो पार्ट 2 रहेगा ना बॉस, वो थोड़े से मीडियोटर, मतलब थोड़े से जो नॉर्मल कॉलेजेस है ना, वैसे वाले कॉलेज में तुम लोगों को वो वाली वीडियो में बताऊंगा। ये पार्ट 1 था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होंगी, एंड प्लीज फॉर्म फिल कर देना, और कुछ भी हेल्प लगे तो कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई बॉस, और मैं तब से फुल हेल्प रहेंगी तुम लोगों को। ठीक है, मेरे को पता है कैसा फील होता है जब एडमिशन थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो ना मिलने में, तो मैं हेल्प करूंगा। सो ये वीडियो बस याद रखते हैं, एज ऑलवेज थैंक यू बस इन दिस चेयर्स, आई होप यू will like this video, don't forget to subscribe to the channel, so meet you in the next vlog, goodbye, boom.